वालेकुम तमाम दोस्तों को प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं एम जे सब सच न्यूज़ यूट्यूब चैनल तो प्यारे दोस्तों इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं आपने भी सुना होगा और वीडियो देखी होगी और अब ये बात है कि हमारा दिल बर्दाश्त हो चुका है लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ड अमान में रखे और इमरान खान जब गिरफ़्तार हुए तो उन्होंने उस वक्त जो वीडियो लिंक कॉल की लोगों को बताया तो वो क्या कहा आप ये सुनिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रही कनाब या कस्ताइन मेरे पाकिस्तानियों जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में हूँगा तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूँ ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे आप गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे और गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती ग़ुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियाँ जमीन पर होती हैं उनके ऊपर परवाज नहीं होती और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान नारा था ला ए लाला पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते ला 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 इंसान की गुलामी से हमें आजाद करता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आजाद किया था अदर और इंसाफ दे के ये है जंग इंसाफ की आपके हकूक की आपकी आज़ादी की और कभी भी याद रखें कोई आजादी प्लेट में रख के नहीं देता जिस तरह मैं कहता हूँ जंजीरें गिरती नहीं हैं तोड़नी पड़ती हैं पुरमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है वोट के जरिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना ना तो किसी और कोई कब्जा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए जो आज कब्जा करके बैठा हुआ है